हमारे अन्नदाता जिनका कठोर परिश्रम और तप है देश का गौरव। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण को दी है सर्वोच्च प्राथमिकता। गत 7.5 वर्षों में बीज, बीमा, बाजार और बचत सभी पर हुआ है चौतरफा काम। अच्छी क्वालिटी के बीज, नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन, खाद सब्सिडी में वृद्धि जैसे सभी कदम किसानों की समृद्धि को हैं समर्पित। हमने तय किया किसानों को जितना चाहिए उतना यूरिया देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले मेरे देश में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको चालू करेंगे। देश में छोटे छोटे किसानों की संख्या है 10 करोड़ से भी ज्यादा। पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता है अहम। प्रधानमंत्री जी ने बंद पड़े खाद कारखानों के जीर्णोद्धार और क्षमता में वृद्धि पर दिया विशेष ध्यान। इसी क्रम में 2016 में देश के पूर्वी राज्यों में वर्षों से बंद पड़े 3 खाद कारखानों को फिर से शुरू करने के लक्ष्य के साथ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की स्थापना करने का बड़ा निर्णय लिया गया। गोरखपुर का खाद कारखाना 30 वर्षों से ठप पड़ा था। बंद पड़े कारखाने के कारण लोग लंबे समय से परेशान थे, बहुतों की नौकरियां छिन गईं, तो कारखाने के कारण चलने वाले अन्य कारोबार भी सिमटते चले गए, जिसके कारण एक बड़ी आबादी के रोजी रोजगार पर संकट आ गया। खाद की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित थी, जिसका जमकर फायदा बिचौलिए उठाते थे। यूरिया की जमाखोरी और कालाबाजारी होती थी। अधिक दाम पर खाद खरीदने के दबाव के कारण मेहनती किसानों पर आर्थिक मार पड़ती थी, तो बिना खाद के फसल नुकसान का डर सताता रहता था। गोरखपुर खाद कारखाने को फिर से चालू कराने की लोगों की मांग पर पहले की सरकारों के वायदे सिर्फ खोखले ही साबित हुए थे। इस निराशा भरे माहौल को बदलने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सांसद रहते हुए लगातार आवाज उठाई। किसानों के हितों को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर खाद कारखाने के पुनरुद्धार की आधारशिला रखी और आज गोरखपुर की धरती साक्षी बन रही है उस ऐतिहासिक अवसर का, जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर खाद कारखाना किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पित। 8600 करोड़ में बना गोरखपुर खाद कारखाना प्रतिदिन 3850 मीट्रिक टन यूरिया और 2200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का करेगा उत्पादन। ऊर्जा कुशल, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल गोरखपुर खाद कारखाने से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी सहजता से उपलब्ध होगा नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया से कालाबाजारी पर लगेगी रोक और बीज से बाजार के संकल्प को मिलेगा बल। यह छोटे किसानों की आय बढ़ाने में निभाएगा बड़ी भूमिका। कारखाने के संचालन से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र छुएंगे विकास की नई बुलंदी को। करीब 20,000 रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण। इसके अलावा क्षेत्र के पारंपरिक उद्योग धंधों को भी मिलेगा बढ़ावा। आजादी के इस अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्र और विशेष रूप से हमारे अन्नदाता को समर्पित ये खाद कारखाना माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को देगा नई मजबूती।